नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया पर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस समय राज्य में 1785 संक्रमित हैं, जबकि 1077 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं इलाज के दौरान 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीते गुरुवार को पेट्रोलिंग के दौरान एक हादसे में शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर उनके मृतक गांव पहुंचा, जिसके बाद चित्रशिला घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। देहरादून में बीते रोज क्वारंटीन सेंटर में युवक द्वारा आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नोडल अधिकारी और संबंधित डॉक्टर को निलंबित करने के आदेश दिए। यही नहीं, बीते दिनों गर्भवती महिला की इलाज ना मिलने से मौत के मामले में भी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी एक्ट 1987 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को दी मंजूरी। इसके तहत अब मास्क ना पहनने, शारीरिक दूरी और क्वारंटीन के नियमों का अनुपालन ना करने समेत अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर ₹5,000 तक का जुर्माना या 6 माह की सजा अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। महामारी एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड राज्य देश का तीसरा राज्य बना। इससे पहले केरल और उड़ीसा भी कर चुके हैं संशोधन। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलकर करेंगे टाइगर का संरक्षण। रोजाना निकलेंगे लंबी दूरी की गश्त पर। नेपाल सीमा पर टनकपुर से लेकर पीलीभीत तक टाइगर संरक्षण के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वन विभाग के अफसरों ने संयुक्त प्रयास किए शुरू। चमोली जिले के देवान में होम क्वारंटीन में रह रहे 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग की मौत। ये बुजुर्ग गांव में पंचायत घर में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। बुजुर्ग हाल में चंडीगढ़ से लौटे थे और पहले से ही बीमारी से ग्रसित थे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर बोला हमला। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बताया खस्ता हाल। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की सरकार से मांग, उत्तराखंड के सभी रिक्त पदों पर हो नियुक्तियां। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में बदमाशों ने शनिवार दोपहर एक बैंक मित्र के भाई की गोली मारकर की हत्या। लूट के इरादे से की गई थी हत्या। हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में मामूली बात पर दो भाइयों पर कुछ युवकों ने चाकू से किया हमला। एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पीएचडी धांधली और खरीद में गड़बड़ी की खुली जांच शुरू। मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में जताई आज भारी बारिश की आशंका। कुमाऊं के कई क्षेत्रों में ओले गिरने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। धनौल्टी के क्यूलागी गांव में कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करने और कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर से अभद्रता करने पर एक महिला समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज। नैनीताल जिले के तल्लीताल क्षेत्र में 5 साल की बच्ची 3 मंजिला भवन से गिरी। दुर्घटना में बच्ची गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने आनन फानन में बच्ची को नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्ची को प्राथमिक इलाज देकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर बुलखाल दुगड्डा के बीच में शनिवार देर शाम एक कार सड़क पर पलटी। बाल बाल बचे कार सवार। सोमेश्वर में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक कोसी नदी पुनर्जनन के तहत पेयजल योजना का काम शुरू किया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने जताया विरोध। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।